एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अभी हो गई हूँ रेडी, और मैंने आज कुछ ऐसा एथनिक सा पहना है, और मैंने साथ में रजनीश जी भी हो गए रेडी, और हम जा रहे हैं ऑफिस। अप्पू जा चुका है स्कूल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। चलें फिर? चलो भाई, मिलते हैं आपको फिर से आके। बाय रोनी, बाय डोलू शैपू। क्या हो गया? अच्छा, सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग ऑफिस, और एक बार बस बैठी हूँ आके, और करते हैं अभी थोड़ा सा काम, फिर मिलते हैं आपसे। तो भी सलोन आके अभी यहाँ पे चल रहा है। शिवांशु अपने काम में लगा रहता है, पता नहीं ये क्या करता रहता है। अभी इसने कोई 50% ऑफ का जो हमारा बैनर है वो तैयार किया, और उधर चल रहा है काम, और उधर आगे भी चल रहा है, पर यहाँ से दिखेगा नहीं। और आज से मैं ये फ्रंट डेस्क पे बैठा करूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया कि मैं कैबिन में नहीं बैठती हूँ। तो जितना भी यहाँ का रहेगा थोड़ा बहुत वो मैं देखूँगी। मेरे साथ एक दो बच्चे और हैं, देखते हैं अब कि बच्चों को मेरा यहाँ बैठना मंजूर होता है कि नहीं, क्योंकि इनको दिक्कतें बहुत आती है जब ऑनर बैठने लग जाता है ना, है ना, हो रही है ना। तो भाई यहाँ पे आ गई है मेरी चाय, और मैंने वो दीदी को बोला था कि थोड़ी सी ना इसको उबालना, मतलब अच्छे से उबाल के देना। उसने उबाल उबाल के काली कर दी। और चाय को मैंने पूरे ही उबाल दिया उसने। हाँ, कर ले कर ले कर ले, उबाल सीधे। भाई ये लड़की के नखरे समझ नहीं आते मेरे को, देख। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। कमीनो, उधर वो क्लाइंट देख रहे हैं इनका क्या चल रहा है। गाइस देख लो, मैं कितने टाइम की कही थी मैडम मेरा व्लॉग ले लो, मेरा व्लॉग। मैं को बोल रही है मेरा व्लॉग, मैंने बोला बाहर जाके मेरे को वो देखने तो दे, थोड़ा बहुत काम तो करने दे, फिर व्लॉग भी लेती हूँ। नाच नूच के दिया तो प्रैक्टिस कर ले, 14 तारीख को भंगड़ा नहीं पाना। और अगर तू, हाँ, जो वो गाना मैंने तेरे को बता रखा उसी पे करना है। मेरे पास अभी प्रीति की कॉल आई थी, ठीक है, वो कर रहे हैं प्रैक्टिस। और अगर तुम लोगों ने नहीं की ना तो मैंने अकेली ने सोलो डांस कर लेना वहाँ पे। The staff is well dressed here, and the equipments are all clean, and the restroom area for the guests are also good. And I would recommend everyone to visit this again. And I'm probably coming next week to avail services from my. All right, sir. Thank you so much for your positive review, and definitely be our regular client and recommend to others also. For sure. Yes, yeah, sir. Thank you so much. Thank you. सो गाइस दोपहर का टाइम हो गया, और हमारे आज घर से बच्चे आए हुए थे। रजनीश जी का बांध आया था, वो एक बार घर चले गए हैं नक्कू के साथ, उनको भेजा है। यहाँ पे एक प्याज लेके आया रोनी आपके लिए। क्यों सो रहे हो? उठ जाया करो। और यहाँ खाना आ चुका है, तो पहले खाना खा लेते हैं फिर जा बाहर चलती हूँ फ्लोर पे। मेरे को तुम ना अंदर बैठे सुस्ती मारते रहते हो। सुलाऊं क्या? बड़े बच्चे गए हो, उनको सोने तो, रेस्ट करने दो घर पे, शाम को चलना हम। तो भाई अभी सर का कोई माइंड पता नहीं कहाँ चल रहा है, वीडियो बनाने लगे हैं कोई फनी, क्योंकि अभी इस टाइम अभी क्लाइंट नहीं है, फ्लोर फ्री था इस टाइम। आज वैसे मंडे को वैसे भी काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑलमोस्ट लोग करवाते हैं काम, थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी ये बनाने लगे हैं बच्चे, पता क्या बनाने लगे हो? दिखाना बाद में। तो यहाँ पे हमने गाइस एक ये चीज रखी है, इस पे लिखा है जेंट्स, और एक ये है इस पे लिखा है लेडीज। इनमें हमने डाली है ये स्लिप्स हैं, इसमें जो भी निकाले क्लाइंट के लिए रहता है ये, जब वो काम करवा लेते हैं उसके बाद एक चिट निकालते हैं, इसके ऊपर जो भी सर्विस आती है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसमें है बीएड, मतलब कोई क्लाइंट कोई और काम करवाना है, बीएड उनको फ्री दी जाएगी। क्या कहना है जतिन? आज क्या अभी निकला था वो करवा के, जिनका क्या निकला था हेड मसाज और हेयर कट करवा के ना, वो कितना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो भाई तुम लोग। तो भाई जिस जिसको ये पर्चियों के ऊपर देखना है कि और क्या क्या है, वो फटाफट से आओ और अवेल करो। तो भाई
ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਮ ਬੀਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰ ਦਾ ਪਾਂਜਾ ਐਂਡ ਆਲ ਤੇ ਨੱਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਰੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਲੋਨ 'ਚ ਗਈ ਫਿਰ ਰੋਨੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਨੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੜਕਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੂ ਪਨੀਰ अगर मेरे को करने दे मैं भी थोड़ा बहुत कर लिया तो आके इधर देख ले पहले ये बोल रहे हैं मेरे से बात कर ले हमें तोड़ देते हैं अब ये खा जाते हैं बहुत खराब है यार ये वही नक्कू ने हमारे आने से पहले देखो जोत कर रखी है हमारा बच्चा जो है वो जोत करने लग गया भगवान जी की प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है इनकी क्लास लग रही है क्या हो गया भाग जाते हैं नीचे हार्नेस खाई है ना दोनों ने जो कल मेरी चप्पल आज मैं शूज पूरे अंदर रख के गई थी और आज हार्नेस खा गए यही काम करते वो देख चुप गया अंदर एक दो इसको जगह नहीं मिली अभी ये देखना कैसे लग रहा है अभी ये कहीं बैठा है मुंह अंदर छुपा लेता है बहुत खराब है ये बहुत खराब है किसने खाई है हार्नेस भी अपनी नहीं छोड़ते खाते नहीं चबाते हैं खेलते हैं बस बहुत खराब है बाहर रह गया था कैसे मैं अंदर था वो नक्कू भैया और वो जो आए थे वो चले गए बाहर घूमने के लिए इसको बाहर छोड़ गए तो मैं पानी पीने आया किचन में तो मैंने देखा आज मैंने देखा सोफी किधर भी है नहीं फिर मैं वो बाहर से आवाज दे तो ये बाहर बैठा था गया नहीं कहीं नहीं बोल रहा था हाय ठीक है बंदा बुलाओ बता गुम हो जाता हमारा डोलू आज हमारा डोलू गुम हो जाता क्योंकि नक्कू और उसके बुआ का लड़का आए हुए थे तो नक्कू बाहर चला गया था घूमने और रोनी अंदर सो रहा था अरे ये देख लो बात भी नहीं करने देता और डोलू जो है वो दरवाजे के बाहर रह गया नक्कू ने दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया होगा जब वो गया है ना वो जैसे खुला नहीं रह गया होगा वो जैसे उसके पीछे पीछे पहले निकल गया होगा उससे नहीं नहीं गेट खुला रह गया पहले रहता तो नक्कू को बाहर ये उसके पीछे पीछे भागता लिफ्ट में वो दरवाजा रह गया खुला वो चला गया नीचे और ये खुले दरवाजे में से धीरे से निकल गया बाद में बाहर और फिर हवा लगती है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है इधर वाला गेट खुला था और फिर दरवाजा होगा बंद और ये बाहर बाहर वेट कर रहा था रोनी बोल रहा है अगर वो घंटा और एक घंटा पूरा वो बोल रहा है अच्छा तू नहीं लेके इसको गधा तो बच्चे अगर तेरे को कोई ले जाता है तो मैं कहाँ चुनूंगी अपना डोलू ओए मेरा डोलू गुम हो गया बोला रोनी कैमरा ऑन करके खड़ा हो गया रोनी तो अभी बना रहे हैं रात का खाना वैसे तो रोनी ने पूरा बना लिया मैं तो बस वो बच्चों के 2000 फुलके बना रही हूँ रात के बज गए हैं 10 रोनी क्यों हंस रहे हैं कि कल 10 दिया साले मैं हरियाणा तो बच्चे आए हुए हैं ना तो पांजा आए हुए हैं रजनीश दा मेरा सगा पांजा उन्होंने भी लैंग्वेज है रोनी तेरे को समझ नहीं आती बेइज्जती करे फिर पता चल जाता हरियाणवी में सो गाइस खाना खुना बना के बच्चों को खिला के वो नक्कू वाले रूम में मस्ती कर रहे हैं अपना और हम लोग इधर हैं तो अभी आ के बैठ ही हूँ मैं भी रजनीश जी के पास तो इनका आज कुछ खाने का मन कर रहा था क्या खाने का मन कर रहा था बस मलाई मंगाई बस मलाई मंगाई क्यों ऐसे बहुत दिन हो गए मन कर रहा था वैसे भी कुछ भी मीठे में बनाया नहीं था क्योंकि बच्चे बाहर गए हुए थे घूमने पहले लंटे लूटे घूम के वो तो रोटी भी नहीं खा रहे थे बोल रहे थे कि नहीं हमने नहीं खाना मामी बाहर का खा लिया बहुत कुछ तो मैंने बोला नहीं फिर भी एक एक रोटी बना ही लेते थोड़े से राइस और रोटी के साथ खिला दिया उनको और अभी वो दूसरे रूम में इनकी रसमलाई आती है फिर वो खाते हैं तो भाई इनकी जो रसमलाई मंगाई थी वो तो आ चुकी है पर जो भैया आए हैं वो बोल रहे हैं कि मैं ऊपर नहीं आ सकता कहाँ है अच्छा वो हैं वो खड़े बाइक नहीं बच्चे दूसरी स्कूटी है वो भैया बोल रहे हैं मैं ऊपर नहीं आ सकता हैंडीकैप्ड है ना वो बाइक सी होती है ना जो उस पे आ जाने को मेरे साथ चला दोनों ले आते हैं तो भाई हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे रसमलाई लेने के लिए और एक चीज़ और है गाइस तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है जो वो भैया आए हैं वो बेचारे
हैंडीकैप्ड है और फिर भी वो डिलीवरी कर रहे हैं स्विगी या फिर जोमेटो पे। अभी चलते हैं नीचे, चल। तो गाइस एक ये हमारा लड़का है, ये बाल कटवाने का नाम नहीं ले रहा। कटवाऊंगा थोड़े थोड़े साइड से और ऊपर से, पूरे क्यों नहीं कटवा रहा? तो स्टाइल करके दिखाइए, वैसे जैसे तू करता है करियो। ये थोड़ी देर बाद करेगा। और मैं इसको बोलती हूँ नक्कू तू ऐसे क्यों करता है? ये बोलता मम्मा नहीं करता, मैंने इसके इतनी आदतें छुड़वाई हैं बच्चों में पड़ जाते आते ही। पहले तो क्या करता था ना ऐसे करता था, इसको आदत हो गई थी बात बात मम्मा मम्मा, वो बोल बोल के छुड़वाया। अभी ऐसे बालों को ऐसे करने लगे, देख क्या क्या हरकते करता है नक्कू सच में। आ गया अपना ग्राउंड फ्लोर, क्या कटवा लूंगा बाल? तो वो तो कटवाएंगे, खुल जा सिम सिम खुल गया। मैंने बोला खुल जा सिम सिम खुल गया। तो भाई ये हमारा इस टाइम का जो व्यू रहता है नीचे का वो बहुत अच्छा रहता है। और मैं रजनीशी को बोल रही थी कि वॉक स्टार्ट कर देते हैं, देखो आप कितना अच्छा व्यू है, लाइटिंग वाइटिंग। मैं तो इनको बोल रही हूँ वॉक शुरू करते हैं, पर ये बोलते हैं कि नहीं वॉक नहीं शुरू करनी। अच्छा ऊपर नहीं आ सकते थे भैया? अरे ये आपके लिए सबसे बड़ी बात कि लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, मेहनत कर रहे हो आप ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू भैया, सीरियसली थैंक यू सो मच। आपने हमें खाना पर दिया, थैंक यू भैया। वही देख लो क्या मतलब, सीरियसली मेहनत ही बंद ना, कुछ शर्म कर ले, कुछ शर्म। और क्या, ये देखो भैया क्या मंगवाया पापा ने, रसमलाई मंगवाई है ना। तो भाई ऐसा सिस्टम है मेहनत करने का भी, कोई बोलते हैं ना जिसको कि वो नहीं होता, जिसने करनी है वो करके खानी है वो करेगा ही, उसका एक पैर ही नहीं था बेचारे का, एक ही पैर मतलब पूरा ही पैर नहीं था वो, मैंने उस साइड से देखा। फिर भी अगला वो टायरों वाली स्कूटी होती है ना वो चला के है, हाँ वो साइडों में स्पोर्ट टायर लगे होते हैं तो उस पर आए हैं डिलीवरी देने। आगे अपनी लिफ्ट चल फिर इधर से, अब खुश हो रहा है मिल गई इसको रसमलाई, खाने के बिना दूसरा काम कुछ है। दबा दिया चल। भैया देखिए ये वो जो भैया देके गए हैं वो रसमलाई है सिंधी स्वीट की,